ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अथ त्रयोदशोध्याय श्लोक नंबर 30। हमारा ये श्लोक है, यदा भूत पृथक भाव, यदा भूत पृथक भाव मेकस्थ मनु पश्यति, मेकस्थ मनु पश्यति, तत एव च विस्तारम्, तत एव च विस्तारम् ब्रह्म संपद्यते तदा, ब्रह्म संपद्यते तदा। ये शब्द है हमारा, यदा भूत पृथक भाव, भाव व पे कोमा फर्स्ट पार्ट यहाँ खत्म हो जाता है, मेकस्थ थ पे कोमा, मेकस्थ मनुपश्यति, तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। भूत पृथक भाव, हम यहाँ भावम लेंगे जब हम संधि करेंगे। भावम, म हलंत हमारा भाव, इसके साथ आ गया भावम, और उसके साथ का जो स्वर भाव है, स्वर भाव है वो आ गया एकस्थ, एकस्थम। भूत पृथक भावम, भूत का मतलब प्राणी, पृथक का मतलब अलग अलग, भावम भावों को, प्राणियों के अलग अलग भावों को। आगे है एकस्थम अनुपश्यति, एकस्थम प्लस अनुपश्यति, एकस्थम का मतलब एक ही प्रकृति में, अनुपश्यति देखता है। आगे कहा है इसी श्लोक में, यदा जिस काल में साधक भूत पृथक भावम प्राणियों के अलग अलग भावों को एकस्थम अनुपश्यति एक ही प्रकृति में देखता है, तत एव च विस्तारम च, और तत एव, तत का मतलब उस प्रकृति में, एव ही उस प्रकृति में ही, विस्तारम विस्तार को देखता है। जिस काल में साधक प्राणियों के अलग अलग भावों को एक ही प्रकृति में देखता है और उस प्रकृति में ही विस्तार को देखता है, तदा ब्रह्म संपद्यते, तब वह उस काल में वो ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर ब्रह्म निराकार के लिए कहा गया है, तब वह उस परमात्मा को ही प्राप्त हो जाता है। जो पिछला श्लोक था उसमें क्रियाओं से संबंध विच्छेद करने के बारे में बताया था कि जब क्रियाओं से संबंध विच्छेद प्राप्त कर लेता है, मतलब कि सारी क्रियाओं को वो प्रकृति में होती हुई देखता है, अपने आप को अकर्ता मानता है, तब वह वास्तव में देखना उसी का है। इस श्लोक में पदार्थों से संबंध विच्छेद, तो यहाँ कहा है कि जिस काल में प्राणी, जिस काल में साधक संपूर्ण प्राणियों के अलग अलग भावों को, अर्थात इस त्रिलोकी में जरायुज, अंडज, उद्भिज और स्वेदज, जरायुज कहा है जेर से उत्पन्न होने वाले, जैसे मनुष्य पशु आदि, और दूसरा कहा है अंडज, अंडे से उत्पन्न होने वाले जैसे मुर्गी, और उद्भिज, उद्भिज का मतलब पृथ्वी को फाड़ कर निकलने वाले वृक्ष, बीज होते हैं तो पृथ्वी को फाड़ के बाहर निकलता है, स्वेदज पसीने से पैदा होने वाले जैसे जूं लीक इत्यादि। ये जो प्राणी त्रिलोकी में, ये जितने जरायुज, अंडज, उद्भिज और स्वेदज जो ये प्राणी पैदा होते हैं, उन प्राणियों के स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर को प्रकृति में ही स्थित देखता है, तब वो ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। स्थूल शरीर है हमारा ये ऊपर का मांस का लोथड़ा, और सूक्ष्म शरीर है हमारा
ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ और अंतःकरण। ज्ञानेंद्रियों में हमारी आँख, कान, नाक और जीभा और त्वचा। करण इंद्रियों में हमारी आ जाती हैं हाथ, पैर, वाणी, उपस्थ और गुदा। हाथ, पैर, वाणी, उपस्थ और गुदा। और तीसरा कहा है अंतःकरण। अंतःकरण में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। कई जगह मन और चित्त को एक ही लिया गया है। मन में संकल्प विकल्प उठते हैं, चित्त के ऊपर अंकित हो जाते हैं। कई जगह एक ही शब्द लिया गया है। और फिर कहा है कि ये तीसरा है कारण शरीर। कारण शरीर में जो दोनों शरीरों का कारण है, इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कॉटन है, कॉटन से पहले हम सूत की बारीक बारीक सूत को काटते हैं। जैसे काटने से हम छोटी छोटी उसकी लंबे धागे बनते हैं और फिर उसके बाद उनसे कपड़ा बनता है। तो इसका मतलब जो हमारा कपड़ा है वो तो हो गया स्थूल शरीर, और जो हमारी ये सूत की तारे हैं वो हो गया सूक्ष्म, और कॉटन हो गया कारण शरीर। ये दोनों का कारण है। कारण अगर ना, ये कॉटन ना हो तो कपड़ा नहीं बन सकता। ये कारण शरीर के लिए कहा है। तो यहाँ पर कहा है कि ये तीनों शरीरों को जब वह मनुष्य एक ही प्रकृति में स्थित देखता है, तब उस काल में वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। और इस त्रिलोकी के स्थावर और जंगम प्राणियों के शरीर, स्थावर का मतलब एक जगह स्थित रहने वाले, ये वृक्ष इत्यादि लताएं, और जंगम के बीच में नभचर, थलचर, नभचर आकाश में उड़ने वाले, थलचर भूमि पर रहने वाले और जलचर पानी में रहने वाले, इनको कहा है कि ये प्राणियों के शरीर नाम, रूप, आकृति, ये मनोवृत्ति या गुण विकार, ये सब जो हैं एक प्रकृति से ही उत्पन्न हैं, और संपूर्ण प्राणियों के शरीर प्रकृति में ही रहते हैं और प्रकृति में ही लीन हो जाते हैं। और जब वह ऐसा अनुभव करता है, तब वह ऐसा देखने वाला ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। और वास्तव में ये ब्रह्म को प्राप्त तो पहले से ही था, परंतु प्रकृति जन्य पदार्थों के साथ संबंध बनाने के कारण इसे अपने स्वरूप का अनुभव जो है वो नहीं होता था। और परंतु जब वह सबको प्रकृति में ही स्थित और प्रकृति से ही उत्पन्न देखता है, तब उसको अपने स्वतः सिद्ध स्वरूप का अनुभव हो जाता है। फिर दूसरा आगे कहा है कि पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले स्थावर जंगम जितने भी शरीर हैं, या इन शरीरों में जो कुछ भी परिवर्तन होता है या कोई रूपांतर होता है या क्रियाएं होती हैं, वे सब पृथ्वी पर ही होते हैं। और ऐसे ही प्रकृति से उत्पन्न होने वाले जितने गुण विकार तथा उनमें कुछ परिवर्तन होता है, कुछ घटता है या बढ़ता है, वह सब प्रकृति में ही होता है। और विस्तार के बारे में बताया गया है कि जैसे मिट्टी और बीज को हम थोड़ा एक पात्र में पहले तोल लें मिट्टी को और बीज को, फिर एक पात्र में तुली हुई मिट्टी को बिछाकर उसमें थोड़ा पानी से सींच दें और बीज डाल दें, तब कहा है कि फसल होने पर जब हम देखेंगे मिट्टी तो सूख जाती है, लेकिन जो बीज है सूखने के बाद मिट्टी और अनाज को तोल कर देखें तो ये मिट्टी का वजन कम और अनाज का वजन बहुत ज़्यादा होगा। ये मिट्टी का अर्थात पृथ्वी का अनाज में रूपांतरण होना है। और फिर कहा है क्रियाएं, क्रियाओं में एक होना और एक करना, बालक का जवान होना, वृद्ध होना, ये होने में आता है। और
दूसरा है खाना पीना सोना जागना, ये क्रियाएं हम करते हैं, ये सारी क्रियाएं शरीर में ही होती हैं। इस प्रकार स्थावर जंगम प्राणियों के रूप में जो चेतन तत्व है वो निरंतर परमात्मा में ही स्थित रहता है और प्रकृति के संग से उसमें कितने ही विकार क्यों ना दिखें वो सदा असंग ही रहता है, आत्मा सदा निर्लिप्त ही रहता है। ऐसा स्पष्ट अनुभव हो जाने के कारण से व्यक्ति ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। ये जो प्रकृति के साथ संबंध मानने के कारण स्वार्थ बुद्धि भोग बुद्धि और सुख बुद्धि आदि जो प्राणियों को अलग अलग भावों पर देखने पर जो राग द्वेष पैदा हो जाते हैं, अर्थात राग अगर किसी से हो जाता है तो उसमें गुण नज़र आने लगते हैं, अगर किसी से द्वेष हो जाता है तो उसमें दोष नज़र आने लगते हैं। इस प्रकार राग और द्वेष, इस प्रकार हमारी दृष्टि के आगे राग द्वेष रूपी पर्दा आ जाने से हमें वास्तविकता का अनुभव नहीं होता, परंतु जब व्यक्ति इन संपूर्ण शरीरों की उत्पत्ति स्थिति और विनाश को प्रकृति में ही देखता है और अपने में उनका अभाव देखता है तब उसकी दृष्टि के आगे से राग द्वेष का पर्दा हट जाता है और उसे परमात्म तत्व का अनुभव हो जाता है। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु।